आपको मैं बता दूं, बहुत ही मुझे जानकर हैरानी हुई कि मैं रविश कुमार का सिर्फ एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे, जो कि न्यूज़ मतलब प्राइम टाइम का शो था। तो मुझे यूट्यूब से नोटिफिकेशन आता है कि द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू व्यू इज़ मतलब ये भड़काऊ है एंड इट इज़ एडवाइजेबल टू नॉट वॉच इट। तो ये पहले से ही मतलब कहना कि ये एक डेमोक्रेटिक स्पेस था सोशल मीडिया, या फिर सोशल मीडिया पे क्रांति अभी संभव है, ये एक भ्रांति है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पहले से ही हाईजैक किया गया है। जरूरी है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है CANRC का विरोध करना, सड़क पे उतर कर, और ये लड़ाई उन सभी लोगों तक पहुँचाना जिन तक ये नहीं पहुँची है, यानी कि वंचित समुदाय, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, या फिर जो महिलाएँ हैं, जो जिनको लग रहा है कि सेक्युलरिज्म या CANRC अगर हट जाता है तो उनके झोली में कुछ नहीं, तो उन तक ये आंदोलन पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 4 हफ्ते बाद अब ये कंसिडर किया जाएगा कि उन पर FIR करनी है कि नहीं। तो ये साफ साफ एक इम्प्यूनिटी का माहौल तैयार कर रहा है उन्हीं दंगाइयों के लिए जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से स्पॉन्सर किया जा रहा है। वो शक्ल से ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई उन्हें देखकर शक कर सकता है कि ये कोई असंवैधानिक कार्य करने जा रहे हो। उन्हें चलते फिरते ही डिटेन कर लिया गया है। तो क्योंकि वहाँ पे डिटेंशन होने लगा जो लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे उनका, तो इसलिए हमें डाइवर्ट करके यहाँ पे आना पड़ा। वजह क्या हो रही है जो कॉल दी जाती है और परमिशन भी ली जाती है और फिर बाद में डिटेन कर लिया जाता है, क्या? साफ सी बात है कि यहाँ पे हमें लोकतंत्र के नाम पे जो यहाँ पर एक जिसको हम कह रहे हैं डरी हुई सरकार या तानाशाही जो चल रही है, उसका यहाँ पे आईना दिख जाता है कि जब भी आजकल पिछले महीने से हम देख रहे हैं, फरवरी के महीने से देख रहे हैं, जनवरी और दिसंबर की भी यही वारदातें रही हैं कि इंटीमेशन देकर, प्रॉपर परमिशन वगैरह नोटिस देकर प्रोटेस्ट का कॉल बुलाया जाता है, लेकिन सरकारें इतनी बौखलाई हुई हैं कि पूरे पुलिस प्रशासन को उन्होंने तैनात किया हुआ। अभी यूपी भवन के किसी भी प्रोटेस्ट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, लोग पहुँचते नहीं कि वहाँ पर वाटर कैनन तैनात रहता है, वहाँ पर पूरी फोर्स लगता है कि इसीलिए अपॉइंट हुई है कि यूपी भवन के सामने खड़ी की जा सके। तो आज सरकार पूरा एकदम ही डिफेंस की मुद्रा में आ गई है। कोई अकाउंटेबिलिटी का सवाल पूछेगा तो उससे पहले उसी की फ्रिस्टिंग, उसी की चेकिंग, उसी पे सवालात उठाए जाने लगेंगे। जिस तरीके से ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल कहता है कि आप सरकार से सवाल क्या करेंगे, पहले आप बताइए आप सिटीजन है कि नहीं। लेकिन आप लोग क्या संदेश देना चाहते थे मार्च को निकाल कर? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो मंजर दिल्ली के शहर ने पिछले दिनों में दोबारा देखा है, वो किसी एक मजहब के हकों की लड़ाई चल रही थी और उसके बाद ये दंगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरा कंसर्टेड ऑर्गेनाइज्ड रायट्स रहे हैं सरकार के पार्ट पे, अथॉरिटीज़ के पार्ट पे, क्योंकि उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया और बहुत इम्प्यूनिटी के साथ हुए हैं। तो जैसे कि हम प्रोग्राम कह रहे हैं, तो ये एक प्रोग्राम जो हुआ है उसका ना सिर्फ विरोध करते हुए, जो पहले से एक जंग जारी थी, आंदोलन जारी था काले कानूनों के विरोध का, उसको और सशक्त करते हुए इस तरीके के जो ये कॉल्स प्रोटेस्ट के दिए गए हैं, जिसमें एक बड़ी संख्या जो है अभी भी इस तरीके के डर के माहौल के बाद भी सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। तो लोगों को संदेश यही देना है कि देखिए, जो समय आज का हम जो समय आज देख रहे हैं, जो दिन आ रहे हैं, अगर आज हमने अपना केवल आवाज़ उठाने का भी हक जोर से आवाज़ देकर नहीं बचाया, तो पूरी सरकारें तुली हुई हैं कुचलने में। यहाँ पिछले हफ्तों में हमारा आना जाना रहा है, जब भी यहाँ प्रोटेस्ट हुआ है तो चेकिंग नहीं होती, आज स्पेशली हमारी चेकिंग और फ्रिस्किंग हो रही, जैसे मेट्रो पे होती है एक स्पेशल कैबिन बना के, कि जैसे अब मतलब ये चेकिंग यहाँ होनी ज़रूरी है या फिर वहाँ पे होनी ज़रूरी थी जहाँ पे दंगों के मतलब आसार दिख रहे थे, जहाँ पे लोगों ने लगातार इंटीमेशन दिया कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, यहाँ पे कुछ करिए। अभी भी हर दिन माहौल बन रहा है। कल परसों की बात है कि अलग अलग इलाकों में मेट्रो तिलक नगर में स्पेशली मेट्रो स्टेशन बंद हो रहे थे, अलग अलग अफवाहें उड़ रही थी। तो ये माहौल जो है ये एक तरीके का इसीलिए बनाया जा रहा है कि जो लोग अभी भी मतलब संविधान के मूल्यों को और जो वाजिब लड़ाई है, जो आंदोलन जो अपने मुकाम तक पहुंचना चाहिए उसको समर्थन देने के लिए अभी भी हर जायज़ कदम लेने को तैयार हैं, उनको डराने के लिए, उनको दबाने के लिए और अपनी वही तानाशाही जो ताकत है उसका बोलबाला बनाए रखने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, इसी बीच में कल मोदी जी ट्वीट करते कहते कि मैं सोशल मीडिया छोड़ना चाहता हूँ, क्या आखिर ये ध्यान उधर खींचना चाहते हैं, आंदोलन को भटकाना चाहते हैं, क्या मकसद हो सकता है? देखिए, मकसद उनका यही है कि अब जैसे हमने मैं पहले भी कहते आई हूँ और ये साफ है कि दिल्ली का जो इलेक्शन हुआ
उसके बाद पता चल गया साफ साफ कि जो सरकार है बीजेपी की वो अपना समर्थन एक तरीके से पूरी आम आदमी के बीच में उनका जितने ढकोसले थे सब वो पूरी तरीके से खुल के आ गए हैं। उसी के साथ साथ ये भी बात हुई है कि जो बाकी सरकारें हैं उनका भी एक असली शक्ल जो है लोगों ने देख ली है, तो अब वो ये समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे भी, वो जो अभी तक अपनी झूठ की दुकान चलाते आ रहे थे वहाँ मतलब सोशल मीडिया के थ्रू जो वो लोगों को बहकाने भड़काने की कोशिश कर रहे हैं वो मंसूबे भी अब कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसलिए ये इस तरीके का जो ट्वीट है वो साफ साफ ट्वीट है वो यही इंडिकेट करता है कि वो अब जैसे मैंने कहा डिफेंस की मुद्रा में आ गए हैं सभी, तो वो भी अब बीच बचाव है भागने की मुद्रा में ही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया को बंद करना चाहते हैं। सोशल मीडिया वैसे भी जो मैं कहूँगी कि अगर हम ये समझ लें कि एक बहुत डेमोक्रेटिक वॉइस है, तो मुझे यही लगता है कि सोशल मीडिया हाईजैक्ड है इन्हीं फोर्सेस के हाथ में। अगर आपने कुछ लेफ्ट ग्रुप्स को फॉलो करना शुरू कर दिया है फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो आपको मैं बता दूँ बहुत ही मुझे जानकर हैरानी हुई कि मैं रविश कुमार का सिर्फ एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे जो कि न्यूज़ मतलब प्राइम टाइम का शो था, तो मुझे यूट्यूब से नोटिफिकेशन आता है कि द कंटेंट दैट यू आर गोइंग टू व्यू इज़ मतलब ये भड़काऊ है एंड इट इज एडवाइजेबल टू नॉट वॉच इट। तो ये पहले से ही मतलब कहना कि ये एक डेमोक्रेटिक स्पेस था सोशल मीडिया या फिर सोशल मीडिया पे क्रांति अभी संभव है, ये एक भ्रांति है कहीं ना कहीं। सोशल मीडिया पहले से ही हाईजैक किया गया है, जो लोग पावर में हैं, जो लोग मतलब ये अथॉरिटीज को अपने हाथ में लिए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है उन एरियाज में। तो मेरा यही मतलब संदेश है। मानते सोशल मीडिया सेफ नहीं है? सेफ का मतलब कि हम सोशल मीडिया पे सोलली या प्रायोरिटाइज करके रिलाई नहीं कर सकते हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग फेक आईडी बनाकर भी हिंदुत्व का एजेंडा जो है हर तरीके से मतलब बाय हुक एंड क्रूक उसको फर्दर करने की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये ज़मीन का आंदोलन है, लोगों से जुड़ा हुआ आंदोलन है, ये मतलब जन आंदोलन है, तो ये कहीं से भी सोशल मीडिया इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता एक माध्यम के रूप में। तो जैसे कि ये लोग हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जब रामलीला मैदान पर इकट्ठा होने वाले थे, तो लगातार ज़रूरत है कि इस तरीके की कोशिशें थमे ना। और जो सरकारों का ये जो रवैया है, जिनको लगता है कि ये डिटेन करने लगेंगे लोगों को तो लोग रुक जाएंगे, तो उनसे हमारा यही संदेश है कि जब आज़ादी की लड़ाई जंग लड़ी गई थी तो अंग्रेज़ों का, अब ये तो और भी शक्ल साफ हो चुकी है कि अंग्रेज़ों का जो शक्ल थी और इनकी जो शक्ल है उसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, बस वो गोरे थे और ये भूरे हैं। जैसे कि भगत सिंह ने कहा था गोरों की कंपनी चली जाएगी भूरों की आ जाएगी, तो ये वही कंपनी चल रही है और लूट खुलेआम जारी है। तो इस लूट का सरासर लगातार रूप से सड़क पर उतर कर विरोध करना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर हमें सबसे खुले रूप में इनका शक्ल दिखती है कि ये कितने बौखलाए हुए, कितने डरे हुए हैं, किस हद तक ये जो हथियार हैं, सरकारी औजार हैं, जो हम नारा देते हैं कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, सत्ता के गलियारों से, तो वही सत्ता के जो हथियार हैं वो किस तरीके से आम आदमी को ही मोहरा बनाकर उन्हीं के अगेंस्ट यूज़ किए जा रहे हैं, ये यहीं पता चल सकता है। तो लगातार लोगों से अपील है कि डर का जो माहौल बनाया गया है उससे एक उससे आस पड़ोस ज़रूर चौकन्ने रहें, गलत अफवाहों पर मत जाएं, पर साथ ही साथ अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस सवाल पर ध्यान देने की कि जो CANRC का ये पूरा मूवमेंट है ये कितना जेन्युइन है, और जिन लोगों ने इसका समर्थन करते हैं और जो आम जनता की आवाज़ सुनने से को नकारते आए हैं अभी तक, वो उनके क्या मंसूबे, उनके क्या एजेंडे हैं, वो किस हद तक अपने एजेंडा पूरा करने के लिए टैक्टिक्स अपना सकते हैं वो पता चल रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है और अब डिसाइड करना ज़रूरी है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है CANRC का विरोध करना, सड़क पर उतर कर, और ये लड़ाई उन सभी लोगों तक पहुँचाना जिन तक ये नहीं पहुँची है, यानी कि वंचित समुदाय, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, या फिर जो महिलाएं हैं जो जिनको लग रहा है कि सेक्युलरिज्म या CANRC अगर हट जाता है तो उनके झोली में कुछ नहीं आएगा, तो उन तक ये आंदोलन पहुँचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि धर्मनिरपेक्षता का जो मूल्य वर्णित है संविधान में वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, वो आम आदमी का धर्म के बिनाम पर ये जो सत्ता में लोग बैठे हुए लगातार मानव मूल्यों का हनन करते हैं वो ना हो पाए, इसलिए इस तरीके के मूल्य का वर्णन है संविधान में। इसीलिए सभी के लिए ज़रूरी है कि वो इसको सुरक्षित करने के लिए आज इसकी ज़रूरत महसूस करें और सड़क पर उतरें। मैम, कपिल मिश्रा की जो आप लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिल्ली हिंसा में उनका हाथ था, उनके भड़काऊ बयान की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है, Y+ उनको सिक्योरिटी दे दी गई, आप उसके लिए क्या कहना चाहिए? यही मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जब लोग
मतलब अगर आप घर पे भी बैठे हैं तो इन वारदातों को अगर अखबार पे भी फॉलो अप कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि किस तरीके का डेस्परेशन है गवर्नमेंट का। कि आप सोच लीजिए, किसी ने अगर किसी ने मतलब बाकी जो जो लोग अभी तक विरोध करते आ रहे हैं CAA NRC का, उनमें किसी ने अगर गैर कानूनी स्टेटमेंट नहीं भी दिया है, ठीक है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये तो एंटी नेशनल स्टेटमेंट है, तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे हमने भी पिछले दिनों में देखा कि कोर्ट डेट शिफ्ट कर देता है कि 4 हफ्ते बाद अब ये कंसिडर किया जाएगा कि उन पर FIR करनी है कि नहीं। तो ये साफ साफ एक इम्प्यूनिटी का माहौल तैयार कर रहा है उन्हीं दंगाइयों के लिए जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर से स्पॉन्सर किया जा रहा है ये प्रोपेगेंडा। जहाँ से स्पॉन्सर किया जा रहा है वही लोग लगातार इनको समर्थन और बैकिंग और इम्प्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप खुलेआम ये काम करिए। क्योंकि लोग आज यही मैं कहना चाह रही हूँ कि इसीलिए ज़रूरी है कि जब हम विकल्प यही है, लोगों से मैं कहना चाहूँगी विकल्प यही है कि लोग विकल्प तैयार करें। लोग जो ये सोच रहे हैं कि अगर हम मोदी या फिर BJP को एक बार नकार भी दें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन हमें ही तैयार करने की ज़रूरत है। लोगों से मेरी यही अपील है कि एक तानाशाही सरकार से एक कमज़ोर सरकार कहीं ना कहीं बेहतर है कि वो आम आदमी की आवाज़ सुनने के लिए तो कम से कम तैयार होगी ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 70-80 दिन हो चुका है लोग मतलब सड़क पर सिर्फ उतरे या बैठे नहीं, अपना काम धंधा छोड़ के अपनी जानें गंवा चुके हैं। 45 लोग से ऊपर मौतें हो चुकी हैं, कई लोग तो आइडेंटिफाइड नहीं है कि कहाँ मरे हैं, कहाँ मार के डाले गए हैं। उसके अलावा जो लोग इंजर्ड हैं उनकी संख्या, और उससे सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जो डर का माहौल बना है उससे कहीं ना कहीं लोग मतलब और ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं इस मूवमेंट को मतलब इस लोग कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं बाहर निकलने के लिए, और इससे नुकसान हो रहा है आम आदमी को जो अपनी जीविका का नुकसान झेल रहा है, जो बाहर निकल पाने की अपनी आज़ादी पे जो है हनन महसूस कर रहा है। तो वो तभी बंद हो पाएगा जब जो लोग हैं वो एक बड़ी ताकत हैं। अगर BJP जैसी ताकत 33% वोट मतलब कंसोलिडेट करके सत्ता में आ सकती है, तो हमें आज ये जानने की ज़रूरत है कि जो बाकी का प्रतिशत है, जो 67% है आबादी देश की, वो क्यों नहीं एक विकल्प प्रोवाइड कर रही है इस तरीके की तानाशाही ताकतों को। तो वो ज़रूर होगा, लेकिन वो तभी होगा जब हम एक स्टैंड लेंगे, जब हम अपने कमरों से बाहर निकलेंगे ये ना सोचते हुए कि हम तो सेफ़ हैं, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है, या फिर हम दूसरे मज़हब से हैं तो हम सेफ़ हैं। तो अब ये समझना ज़रूरी है, विकल्प पे काम करना ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आवाज़ उठाई जाए। और जो आंदोलन इतने दिनों से जिसमें लोगों का एफर्ट लगा हुआ है, जो लोग लगे हुए हैं, जिनकी जानें गई हैं, उनकी जो एक तरीके से मैं कहूँगी जो शहादत है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके साथ न्याय करते हुए लोग समर्थन में उतरे इस आंदोलन के, ज़रूरत समझें और एक विकल्प पे लगातार काम करें जो इस तरीके की तानाशाही सरकार के लिए तैयार किया जाना चाहिए।